हाउ टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा कि जब आप किसी जगह पर ऐसे बुलाए जाते हैं जहाँ पर आपकी कोई प्रिपरेशन ना हो और आपको एकदम खड़ा कर दिया जाए कि आप कुछ अपनी स्पीच दीजिए, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? मैं आपका दोस्त अनुभव ध्रुव आज ही आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे बिना प्रिपरेशन के आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों, जब भी आपकी कोई ये मौका मिले कि आप बिना प्रिपरेशन के कहीं गए हो और आपको बुला दिया जाए कि आइए और थोड़ा सा आप अपना भाषण दीजिए या थोड़ी स्पीच दीजिए, तो उस टाइम पर जब भी आप वहाँ जाए तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। एक छोटी सी टेक्निक होती है PPIT की। व्हाट इज़ PPIT? तो अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो विदाउट प्रिपरेशन जो आपकी स्पीच है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। फर्स्ट पी है दोस्तों पब्लिक। वहाँ पे जो भी पब्लिक बैठी है, जो आपको लग रहा है कि वहाँ सबसे अच्छा आदमी कौन है, या सबसे वहाँ पे जो चीफ गेस्ट है या जिसने आपको इनवाइट किया, आप उसको बता सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि थैंक्स टू प्रिंसिपल कि आपने मेरे को मौका दिया इस स्टेज पर खड़े होने के लिए और बोलने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। जब आप इस तरीके की कोई भी सिचुएशन में आपका कोई भी सीनियर हो तो पहले उसको अप्रिशिएशन कीजिए, उसको कॉन्ग्रेस कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। अब ये फर्स्ट पी था जब इसमें आप उनको बोलेंगे। देन आ गया सेकंड पी, उसमें दोस्तों प्लेस। जब आप प्लेस पे बात करेंगे, जो भी आपके आसपास जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का माहौल, वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्लेस है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कहाँ पर इतनी अच्छा माहौल में आपने जो ये अरेंजमेंट किया, इतनी अच्छे जगह पर ये किया, उस जगह के बारे में आपको बात करनी है। तो दोस्तों पहला पी हो गया पब्लिक, यानी पब्लिक के बारे में करनी है बात। दूसरा पी हो गया कि वहाँ के प्लेस के बारे में बात करनी है। अब आ गया PPI। आई मतलब इशू। तो इशू में दोस्तों क्या होगा, इशू में आप वहाँ की जितनी पब्लिक बैठी है, जो आपके सामने बैठे हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं कि ये इतने सारे आदमी आए हैं, ये मेरे को सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैंने इतने आदमी को सामने में कभी बोल पाऊंगा, बट आपने मेरे को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक आदमी के बारे में बताइए कि वो वहाँ से ये आदमी बैठे, यहाँ से ये आए हैं, वहाँ से ये आए हैं और बड़ी दूर दूर से आए हैं, जिनको भी आप जानते हो, तो उनकी उनसे आप बोल सकते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। तो इस थोड़ी सी कन्वर्सेशन में, यानी PPI, इसी में आप कम से कम 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टी। अब जब टी के बारे में बात आती है तो होता है टाइम। आप उस टाइम के बारे में बता सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप पास्ट में कभी भी उसने, आप जहाँ पे भी है वहाँ उस संस्थान में है, तो उसके बारे में पास्ट में बताइए, या अपने पास्ट में बताइए कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि मैं कभी कहीं स्पीच दूँ, या और आज मेरे को ये मौका दिया और इन फ्यूचर भी मैं इसको करता रहूँगा। और या फिर आप उसे प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि मैं कभी यहाँ से इस प्लेस से गुजरता था तो यहाँ पे पहले ये था, बट आज के दिन यहाँ पे ये है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में ये और भी आगे बढ़े। तो इस तरीके से आप ये PPIT टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पी मतलब पब्लिक, दूसरा पी मतलब प्लेस, आई मतलब इश्यूज और टी मतलब टाइम। जब ये PPIT की टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखें, जो भी आपकी मदर टंग है उसी पर आपको बात करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात करें। दोस्तों जब भी जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस पे आपकी अच्छी कमांड है, जिस पे आप अच्छा बोल सकते हैं, आप उसी में बात कीजिए। और जब आप उसी में बात करते हैं तो लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और समझेंगे भी उसको, और अप्रिशिएट भी करेंगे और आपकी पब्लिसिटी भी करेंगे। तो हमेशा उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस भाषा में आपकी कमांड हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो दोस्तों ये PPIT टेक्निक आप इस्तेमाल कैसे करें, इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप बार बार में रिपीट करके देखें और उनको नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद आप उसकी टेक्निक को यूज़ करें शीशे के आगे, कैमरे के आगे, और ये अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के आगे, उनके साथ में बैठ के उनके बारे में बता के ये PPIT टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप इस चीज़ के प्रो हो जाओगे, और कभी भी आपको मौका मिलेगा या आपको आप चाहते हो कि मैं मौका ढूंढूं, तो उस टाइम पे आप इस PPIT टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस इन्फॉर्मेशन में क्या अच्छा लगा और आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और इसको चैनल को लाइक करना और इसको शेयर करना मत भूलिए। और मैं सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को इतना सुपरहिट बनाया। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जो कि इसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।